Su-30 MKI, HAL Tejas, MiG-29, Mirage 2000, Sepikat Jaguar और MiG-21 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट शामिल हैं। बात करें सपोर्ट फ्लीट की, तो सपोर्ट फ्लीट के तौर पर हमारे पास DRDO के अवैक्स हैं, करीबन 2 के नंबर में नेत्र अवैक्स हैं और फैल्कन अवैक्स हैं, जो कि इजरायली ELW-2090 रडार को यूज़ करते हैं, करीबन 3 के नंबर में इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में सर्व कर रहे हैं। टैंकर्स की बात करें तो टैंकर्स के तौर पर IS-78 करीबन 6 के नंबर में यूज़ किए जाते हैं भारतीय वायुसेना के द्वारा। तो भारतीय वायुसेना की जो फाइटर एयरक्राफ्ट की फ्लीट है वो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स है। डिफरेंट ओरिजिन के एयरक्राफ्ट इंडक्ट किया गया है, वो डेसो रफाल है। तो ये एयरक्राफ्ट इस साल तक करीबन 35 के नंबर में इंडियन एयरफोर्स की सर्विस को ज्वाइन कर लेंगे। ये मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, एयर टू ग्राउंड एयर टू एयर मिशंस दोनों परफॉर्म कर सकते हैं। साथ ही इस पूरे रीजन में, यहाँ पर हम चाइना को भी इंक्लूड कर रहे हैं, ये सबसे पावरफुल प्लेटफॉर्म है AESA रडार से लैस, जो कि इनको फास्ट डिटेक्शन की क्षमता देता है, साथ में प्रिसाइजली टारगेट को लोकेट करके देता है और साथ ही स्पेक्ट्रा EW सूट के साथ जो सिचुएशनल अवेयरनेस है इस एयरक्राफ्ट की वो अनमैच्ड है। वेपनरी की बात करें तो वो वर्ल्ड क्लास है और अपने आप में अनमैच्ड है। एयर टू एयर मिसाइल में ये मीटियोर और मीका जैसी मिसाइल को फायर करने में सक्षम है। मीटियोर मिसाइल की बात करें तो ये दुनिया की सबसे घातक एयर टू एयर मिसाइल जो कि सर्विस में है ऐसा माना जाता है। ग्राउंड अटैक के लिए ये हैमर और स्कैल्प जैसी क्रूज मिसाइल को फायर करने में सक्षम है, जो कि प्रिसाइसली लॉन्ग रेंज में टारगेट को आइडेंटिफाई भी करती है और अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय भी करती है। ये एयरक्राफ्ट अकेला इतना कैपेबल है कि बियॉन्ड विजुअल रेंज में पाकिस्तान के 2 से 3 JF-17 को इंगेज कर सकता है। आगे बढ़ते हैं और दूसरे एयरक्राफ्ट की बात करते हैं, जो कि इंडियन एयरफोर्स द्वारा D4 तक। तो आज हम खाली LCA Tejas Mk1 की बात करेंगे। तो LCA Tejas Mk1 एयरक्राफ्ट जो कि इंडियन एयरफोर्स द्वारा इंडक्ट किया गया है, ये इंडिया में ही बनाया गया है जैसे कि हम बात कर चुके हैं। तो इसका जो रडार है वो इजरायली ELTA EL-2032 हाइब्रिड रडार है। ये एक मल्टी मोड रडार है जो कि एयर टू एयर एयर टू ग्राउंड टारगेट्स को इंगेज करने में सक्षम है। तो LCA Tejas एक डेल्टा विंग डिज़ाइन है, इसे अनस्टेबल रखा गया है बाय डिज़ाइन और इसकी जो स्टेबिलिटी है वो डिजिटल फाइबर वायर कंट्रोल से आती है, जिसे इंडिया में ही बनाया गया है। तो अनस्टेबल होने की वजह से ये जो एयरक्राफ्ट है वो काफ़ी ज़्यादा मनोरेबल है, साथ में एयर टू एयर एयर टू ग्राउंड मिशंस परफॉर्म करने में कैपेबल है। एयर टू एयर मिशंस की बात करें तो एयर टू एयर मिशंस में ये इजरायली डर्बी मिसाइल्स को फायर करने में सक्षम है, जो कि बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स हैं। ये एक्टिव मिसाइल्स हैं जिनके ER वर्जन को ये फायर करने में कैपेबल है, जो कि 100 किलोमीटर तक टारगेट को इंगेज कर सकती हैं। साथ में क्लोज रेंज में ये R-73 मिसाइल और इजरायली पाइथन 5 को फायर करने में सक्षम है। R-73 मिसाइल वैसे ही काफ़ी डेडली मानी जाती है, करीबन 20 किलोमीटर तक की रेंज में। पाइथन 5 की बात करें तो ये दुनिया की बेस्ट क्लोज कॉम्बैट मिसाइल है। ये मिसाइल 180 डिग्री पीछे जाकर टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकती है। साथ ही साथ इस मिसाइल की इंगेजिंग क्षमता को बढ़ाने के लिए LCA Tejas हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले को यूज़ करता है, जो कि इसराइल से आता है। ये -4 हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले है, जो कि इस एयरक्राफ्ट की सिचुएशनल अवेयरनेस को तो बेटर बनाता ही है, साथ में एनिमी को इंगेज करना और भी ज़्यादा आसान कर देता है। बाकी ये इजरायली लाइटनिंग पॉड के साथ आता है, जो इसे हेल्प करते हैं प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब्स को फायर करने में, जैसे कि लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स हो गए। साथ में इस एयरक्राफ्ट को बनाने में काफ़ी बड़ी मात्रा में कंपोजिट मटेरियल को यूज़ किया गया है। साइज़ छोटा होने की वजह से और कंपोजिट मटेरियल के यूज़ होने की वजह से इसका जो रडार क्रॉस सेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, जो कि इसे बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट में एक एज प्रोवाइड कराता है। अगर आप एनिमी से कंपेयर करें तो ये पाकिस्तान के JF-17 से बेटर है और उनके पुराने जो F-16 ब्लॉक 15 या 40 लेवल के हैं उनके कंपैरिजन में आता है। विद इन विजुअल रेंज कॉम्बैट की बात करें तो ये किसी भी एयरक्राफ्ट को आउटमैच कर सकता है अपनी पाइथन 5 मिसाइल और हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले की वजह से। तो इसका एक स्क्वाडन यानी कि नंबर 45 फ्लाइंग डैगर्स जो है वो पहले से ही एक्टिव है। दूसरे स्क्वाडन की बात करें यानी कि नंबर 18 फ्लाइंग बुलेट्स की, इसमें फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस स्टैंडर्ड के जो LCA Tejas हैं वो इंडक्ट किए जा रहे हैं। तो आज के एयर शो में करीबन 4 FOC एयरक्राफ्ट दिखाई दिए थे, तो इनका भी जो इंडक्शन है वो शेड्यूल के हिसाब से चल रहा है।
अगले एयरक्राफ्ट की बात करें तो अगला जो एयरक्राफ्ट है वो इंडियन एयरफोर्स की बैकबोन है। यहाँ पर हम Su-30MKI की बात कर रहे हैं, करीबन 260 के यानी कि 260 के अराउंड ये सर्विस में है। बहुत ही ज़्यादा कैपेबल एयरक्राफ्ट है, मनोवरेबिलिटी इनकी अनमैच्ड है, इवन रफाल भी इनकी मनोवरेबिलिटी को मैच नहीं कर सकता, जो कि अचीव करी जाती है थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन कंट्रोल से। ये एक भारी भरकम एयरक्राफ्ट है और जितना बड़ा ये एयरक्राफ्ट है उतना बड़ा इसका गैस टैंक भी है। तो ये 2.5 से 3,000 किलोमीटर की रेंज के साथ आता है, साथ में इसकी जो पेलोड कैरिंग कैपेसिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये एकमात्र ऐसा एयरक्राफ्ट है जो कि ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को कैरी करने में सक्षम है। इस एयरक्राफ्ट में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल PESA रडार लगा हुआ है, जिसे NOW-1M-PARS कहा जाता है। ये रडार इतना कैपेबल है कि स्कैनिंग मोड में ये करीबन 400 किलोमीटर तक टारगेट्स के लिए स्कैन कर सकता है। वेपन कैरिंग कैपेसिटी की बात करें तो करीबन 12 हार्ड पॉइंट्स इसमें दिए गए हैं, जिसमें ये एयर टू एयर मिसाइल कैरी कर सकता है, एंटी रेडिएशन मिसाइल कैरी कर सकता है, लेजर गाइडेड बॉम्ब्स कैरी कर सकता है, लो ड्रैग बॉम्ब कैरी कर सकता है, क्रूज मिसाइल्स कैरी कर सकता है, आप कुछ भी सोच लें ये वो कैरी कर सकता है। ये इतना वर्सेटाइल प्लेटफॉर्म है कि ये हमारी स्वदेशी मिसाइल्स भी फायर कर सकता है, साथ ही किसी तीसरी कंट्री की मिसाइल भी हम इसमें इंटीग्रेट करके फायर करा सकते हैं, जैसे कि हमने इसके साथ फ्रेंच मीका मिसाइल टेस्ट करी हुई है, इजरायली डर्बी मिसाइल भी टेस्ट करी हुई है। इस एयरक्राफ्ट के साथ एक जो इशू था वो बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट का था, क्योंकि इसका साइज काफ़ी बड़ा है, रडार क्रॉस सेक्शन काफ़ी बड़ा है, तो बड़ी दूर से ही इसको टारगेट किया जा सकता है, जिसके लिए इसके पास काफ़ी बेटर एयर टू एयर मिसाइल होनी चाहिए ताकि ये एनिमी को पहले ही सरप्राइज कर सके। तो उसका सॉल्यूशन जो है वो अब निकल चुका है, अस्त्र मिसाइल इनके साथ इंटीग्रेट हो गई है, तो इनकी कैपेबिलिटी जो है वो बढ़ गई है और जो कमियां है उसमें काम करके उनको इम्प्रूव कर लिया गया है। अगर एनिमीज से कंपेयर करें तो पाकिस्तान के जो F-16 हैं उनकी कैपेबिलिटी के कंपेरिजन में ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। चाइना की बात करें तो चाइना के जो Su-30MKK हैं, Su-27SK हैं, J-11 के पुराने वर्जन्स हैं, ये उनसे बेटर एयरक्राफ्ट हैं। J-16 एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो कि इसको चैलेंज कर सकता है, वरना बाकी जो वेरिएंट्स फ्लैंकर्स के यूज़ किए जाते हैं चाइना के द्वारा, उनकी कैपेबिलिटी से ये एयरक्राफ्ट ज़्यादा कैपेबल है। आगे बढ़े और बात करें इंडियन एयरफोर्स के Mirage 2000 की, तो इनका जो अपग्रेड है वो चल रहा है, करीबन 50% जो एयरक्राफ्ट हैं सर्विस में उनको पहले ही अपग्रेड कर लिया गया है, और इस अपग्रेड के बाद ये जो एयरक्राफ्ट हैं वो Mirage 2005 Mark 2 वेरिएंट को मैच करते हैं। तो इसमें रडार का अपग्रेड हुआ है, पुराने रडार्स को रिप्लेस करके RDY-3 रडार को लगाया गया है, जो कि पाकिस्तान के F-16 Block 52 के रडार से बेटर है। साथ में यहाँ पर वेपन सिस्टम का भी अपग्रेड किया गया है। अब ये जो एयरक्राफ्ट है ये मीका मिसाइल के EM और IR वर्जन को फायर करने में सक्षम है, जो कि इस एयरक्राफ्ट की एयर टू एयर कैपेबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देते हैं, क्योंकि ये मिसाइल्स बहुत ज़्यादा कैपेबल है। साथ ही साथ जो एयर टू ग्राउंड एबिलिटी है वो भी इस रडार की वजह से बढ़ी है, क्योंकि टारगेट आइडेंटिफिकेशन और रिकॉग्निशन और भी ज़्यादा बेटर हुआ है। तो ये एयरक्राफ्ट पहले ही काफ़ी ज़्यादा कैपेबल थे, इंडिया ने पहले इनको मॉडिफाई कर रखा था हाईली सोफिस्टिकेटेड एयर टू ग्राउंड वेपन्स को फायर करने में, जिसके अंतर्गत ये स्पाइस जैसे जो वेपन्स हैं उनको फायर करने में कैपेबल थे। अब ओवरऑल अपग्रेड के साथ इनकी जो कैपेबिलिटी है वो और भी ज़्यादा बढ़ गई है, साथ ही साथ इनमें इजरायली डैश हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले को भी इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसकी वजह से ये अपनी एयर टू एयर मिसाइल को, यहाँ पर Mika-IR की बात हो रही है क्लोज रेंज में, उन्हें एक्सट्रीम एंगल में फायर करने में सक्षम है, जो कि इनके क्लोज कॉम्बैट फाइटिंग एबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है। तो बहुत ही ज़्यादा कैपेबल एयरक्राफ्ट हैं। अगर इसे कंपेयर करें तो ये F-16 Block 52 जो कि पाकिस्तान द्वारा यूज़ किए जाते हैं तो उनके कंपैरिजन में आते हैं, कई मामले में उसकी कैपेबिलिटी को एक्सीड भी करते हैं। चाइना से कंपेयर करें तो उनके जो बेसिक इंटरसेप्टर फाइटर हैं, जो कि J-7 JH-7 जैसे एयरक्राफ्ट हो गए, उनसे तो ये बेटर है ही, साथ ही साथ उनके जो Su-27SK और J-11 के जो पुराने वेरिएंट्स हैं उनसे भी बेटर हैं, बाकी ये चाइनीज़ J-10A से भी बेटर है। ये बात भी आपको यहाँ पर बता दें कि इनके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट को भी मॉडिफाई किया गया है, अब ये ICMS Mark 4 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट को यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से इनकी जैमिंग कैपेबिलिटी भी बेटर हुई है। आगे बढ़े और बात करें दूसरे एयरक्राफ्ट की, तो ये MiG-29UPG है। तो इंडियन एयरफोर्स द्वारा करीबन 70 के आसपास MiG-29 को यूज़ किया जाता था, इनको अपग्रेड किया गया MiG-29UPG स्टैंडर्ड में
करीबन 21 और एयरक्राफ्ट लेने हैं, पर फिलहाल के लिए इनके नंबर्स करीबन 66 के आसपास बताए जाते हैं। तो यूपीजी स्टैंडर्ड जो है एक बड़ा अपग्रेड था जिसमें रडार को अपग्रेड किया गया। अब ये फेजोट्रॉन जुख एमी रडार को यूज़ करते हैं जो कि पाकिस्तानी F-16 ब्लॉक 52 में यूज़ होने वाले APG-68 V9 की कैपेबिलिटी को मैच करते हैं। साथ ही साथ इस रडार अपग्रेड के बाद ये एयरक्राफ्ट कैपेबल हो गया है एयर टू ग्राउंड मिशंस को परफॉर्म करने के लिए, जो कि ये पहले नहीं कर पाते थे। साथ ही साथ कॉकपिट को भी अपग्रेड किया गया है, अब ग्लास कॉकपिट लग गया है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सुइट को भी अपग्रेड किया गया है। तो ये जो D-29 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सुइट इसमें लगाया गया है, ये बहुत ही ज़्यादा कैपेबल EW सुइट है और एयर टू एयर कॉम्बैट में इस एयरक्राफ्ट को एक बहुत बड़ा एज प्रोवाइड कराता है। साथ ही साथ इस एयरक्राफ्ट में हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले को भी अब लगा दिया गया है। ये इजरायली डैश हेलमेट को यूज़ करते हैं जिसके वजह से जो क्लोज कॉम्बैट एयर टू एयर मिसाइल्स हैं उनको ये एक्सट्रीम एंगल में टारगेट पे लॉक कर सकते हैं और फायर कर सकते हैं। बाकी अभी इन्हें अस्त्र मिसाइल से इंटीग्रेट करने की बात चल रही है जो कि इसकी एयर टू एयर कैपेबिलिटी को बहुत ज़्यादा बेहतर बना देंगे। कंपेयर करें तो ये पाकिस्तान के F-16 ब्लॉक 52 की कैपेबिलिटी को मैच करते हैं। चाइना से बात करें तो चाइना के SU-27SK और SU-30MKK की एयर टू एयर कैपेबिलिटी से इनकी कैपेबिलिटी बेटर है। बाकी ये चाइनीज J-10A को भी चैलेंज करने में सक्षम है। बाकी आगे बढ़े और बात करें सैपिकैट जैगुआर की, तो ये हमारे अटैक एयरक्राफ्ट हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा लो फ्लाई कर सकते हैं। तो ये एनिमी रडार से बचते हुए डीप स्ट्राइक करने में सक्षम है। साथ ही साथ इनको DARIN-3 स्टैंडर्ड में अपग्रेड किया जा रहा है। इस अपग्रेड के अंतर्गत इनमें AES रडार लगेगा जो कि इजरायली ओरिजिन का है, जिसके वजह से इनकी ग्राउंड मैपिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा सुधर जाएगी और एयर टू ग्राउंड मिशंस को ये और भी ज़्यादा कैपेबिलिटी से परफॉर्म करने में सक्षम होंगे। बाकी इनकी एयर टू एयर कैपेबिलिटी को भी इम्प्रूव किया गया है और यूरोपियन SRAM मिसाइल को इंटीग्रेट किया गया है जो कि अपने ये विंग के ऊपर कैरी करते हैं। तो ये SRAM मिसाइल करीबन 50 किलोमीटर तक टारगेट को इंगेज कर सकती है। बहुत ही ज़्यादा कैपेबल मिसाइल है, 50G तक के टन्स ले सकती है और क्लोज रेंज में काफ़ी ज़्यादा घातक साबित हो सकती है। बाकी इसके कॉकपिट को कंप्लीट ग्लास कॉकपिट बनाया गया है और ये डिफरेंट वैरायटीज़ के वेपन्स को फायर करने में सक्षम है, जिसमें CB-105 सेंसर फ्यूज्ड बॉम्ब भी शामिल है। मैरीटाइम रोल में ये हार्पून जैसी मिसाइल को भी फायर करने में सक्षम है। तो एंटी शिप और एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक के लिए ये एयरक्राफ्ट बहुत ज़्यादा कैपेबल हैं। साथ में इनकी सर्वाइबिलिटी भी बहुत बेहतरीन है, ये रफ़ रनवे से भी टेक ऑफ कर सकते हैं और क्लोज एयर सपोर्ट जैसे रोल के लिए काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित हो सकते हैं। लास्टली हम बात करते हैं MiG-21 Bisons की। तो ये MiG-21 Bis से Bison बनाए गए हैं, इनको अपग्रेड किया गया है MiG-21 93 अपग्रेड के अंतर्गत। तो यहाँ पर रडार को रिप्लेस करके कॉपियो रडार लगाया गया है जो कि एक रशियन रडार है और कैपेबल है 50 किलोमीटर तक टारगेट पर ट्रैक बनाने में। साथ ही साथ इनमें इजरायली जैमर्स को भी लगाया जा सकता है और हेलमेट माउंटेड साइट को भी इंट्रोड्यूस किया गया है। तो ये R-73 और R-77 मिसाइल्स को फायर करने में सक्षम है। R-73 मिसाइल क्लोज रेंज में बहुत ही ज़्यादा घातक है जो कि हेलमेट माउंटेड साइट के साथ और भी ज़्यादा घातक हो जाती है। R-77 की बात करें तो ये बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है जो कि 50 किलोमीटर तक की रेंज में टारगेट को इंगेज करने में सक्षम होगी। तो MiG-21 Bison भी अपनी कैपेबिलिटी में पाकिस्तान के जो JF-17 Block 1 है उनको मैच करते हैं। ये बात कई लोग एग्री नहीं करेंगे, पर जिस हिसाब से इनको मॉडिफाई किया गया है, अगर 1-on-1 कॉम्बैट होती है JF-17 Block 1 और MiG-21 Bison में, तो जो मुकाबला है वो इतनी जल्दी JF-17 के फेवर में नहीं जाएगा, यहाँ तक कि MiG-21 बीट भी कर सकता है। तो ये एयरक्राफ्ट 3 से 4 साल में रिटायर कर दिए जाएंगे, पर फिलहाल 4 स्क्वाडन इनके एक्टिव हैं। तो इंडियन एयरफोर्स के 89th ईयर में ये हमारी एयर टू एयर कैपेबिलिटी है। हमारे पास पुराने जहाज ज़रूर हैं पर उनको इतना कैपेबल बनाया गया है कि वो मॉडर्न फाइटर्स के अगेंस्ट में जा सकते हैं और उनको डिफीट भी कर सकते हैं। इसी बात पर ये वीडियो ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।